बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इरहास कुकिंग। आज हम आपके साथ बहुत मज़ेदार समर ड्रिंक्स बनाएंगे। मिंट मार्गरिटा, वाटरमेलन जूस, मैंगो जूस, इस तरह के हम 5 ड्रिंक्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आप गर्मियों में पी सकते हैं एंड दे आर वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत मज़ेदार हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि मैं आपको टिप्स देती जाऊँ और आपकी कोई चीज़ भी मिस ना हो। व्यूअर, सबसे पहले हम आपके सामने बनाएंगे मिंट मार्गरिटा, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप ऑफ शुगर, जो अराउंड 4 टेबलस्पून होती है। ये हम डाल देंगे अपने ब्लेंडर के अंदर। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ लेमन के जूस। लेमन का जूस मैंने पहले से निकाल के रख लिया था, 2 ये मेरे पास टीस्पून है, इसलिए हम इसको 5 ऐड कर देंगे, 4 एंड 5। ये हम ले लेंगे पुदीने के पत्ते, ये हमने ले ली हैं तकरीबन 3 से 4 स्टेम्स जो होती हैं पुदीने की, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ हम डालेंगे अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि 1 चुटकी नमक भी हम इस्तेमाल करेंगे, और हम डालेंगे इसमें 1/2 ग्लास पानी। ये हमने इसके अंदर 1/2 ग्लास ऑफ वाटर डाल दिया है व्यूअर्स। ये हम इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल देंगे व्यूअर्स, और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा मिंट मार्गरिटा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको हम इधर रखेंगे। अब हम एक ग्लास लेंगे, ग्लास के अंदर हम 1/2 फिल्ड स्प्राइट का डालेंगे। हाफ ग्लास हमने स्प्राइट डाल दी और बाकी हम इसमें मिंट का जो मिक्सचर हमने बनाया है वाटर के साथ वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत रिफ्रेशिंग, गर्मियों के लिहाज से बहुत ही मज़ेदार है ये। इसके अंदर हम एक जस्ट टू गिव अ नाइस लुक टू आवर ड्रिंक हम एक लेमन का स्लाइस डाल देंगे, और इसको गार्निश करने के लिए हम इसके अराउंड 1 स्लाइस ऐसे भी रख देंगे। हमारा मिंट मार्गरिटा जो है व्यूअर्स वो बिल्कुल तैयार है। इसको हम रख देंगे साइड पे, और अब हम बनाएंगे आपके लिए वाटरमेलन ड्रिंक। व्यूअर्स, अब हम आपके सामने बनाएंगे वाटरमेलन का जूस, जिसके लिए हम सबसे पहले एक ब्लेंडर के अंदर वाटरमेलन के क्यूब्स को, यानी कि तरबूज के क्यूब्स हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ लेमन के, ये मैंने शामिल कर दिया इसमें। इसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर। शुगर मैं हमेशा ग्राइंड करके रखती हूँ व्यूअर्स, ताकि इसकी मिक्सिंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 2, 3 एंड दिस इज द 4th शुगर दैट स्पून दैट वी आर गोइंग टू ऐड। इसके अंदर व्यूअर्स हम डालेंगे 1/4 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, और हम इसमें डालेंगे अ पिंच ऑफ काला नमक, यानी ब्लैक सॉल्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। व्यूअर्स, इसमें हम शामिल करेंगे 1 ग्लास पानी का, और साथ में हम शामिल करेंगे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स आप उतने ही इस्तेमाल कीजिए जितना आप इसको चिल करना चाहते हैं। समर है तो इसलिए चिल ही मज़े के लगते हैं। अब हम इसको हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम इस हमने इसको एक्चुअली बीज के साथ ही किया था, तो अब हम इसको एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम इसको छान लेंगे ताकि हमारे बीज वगैरह जो हैं वो सारे निकल जाएं, इस तरीके से। व्यूअर्स, अब हम 1 ग्लास ले लेंगे और इसको हम इसके अंदर पोर कर देंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे
थोड़े से आइस क्यूब्स जस्ट टू मेक इट मोर चिल्ड। इसके साथ हम इसको डेकोरेट करने के लिए एक पीस हम वाटरमेलन का लगा देंगे जस्ट टू गिव अ ब्यूटीफुल लुक टू दिस। ये हमारा वाटरमेलन जूस जो है यानी तरबूज का जूस वो बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स अब हम बनाएंगे आपके सामने मैंगो जूस, बहुत इजी, बहुत मज़ेदार, विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एज वेल। एक ब्लेंडर में हम सबसे पहले मैंगोज के स्लाइसिस को डाल देंगे। मैंने एक मैंगो लिया है और उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ लेमन के, ये देखिए। इसमें हमने शामिल करना है 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 1, 2 एंड दिस इज 3। हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट का और इसको ब्लेंड कर लेंगे। नो पानी कुछ भी नहीं अभी हमने डालना, अभी हम इसको एज इट इज़ ही ब्लेंड करेंगे। व्यूअर्स ये हमारा मैंगो पल्प भी बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं ये बहुत गाढ़ा है, सो वी गोइंग टू ऐड 1 ग्लास ऑफ वाटर इनटू दिस और हम शामिल कर देंगे इसमें आइस क्यूब्स। मैंगो जूस डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसमें। आज हम लेकिन सिंपल मैंगो जूस ही बना रहे हैं। इसको एक दफ़ा आप फिर ब्लेंड कर लीजिए। व्यूअर्स हमारा मैंगो जूस जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो चुका है। वी गोइंग टू टेक अ ग्लास, अ नाइस ग्लास एंड पोर आवर जूस इनटू दिस। अपना जूस हम इसके अंदर डाल देंगे। वाओ, सो रिफ्रेशिंग एंड सो नाइस। अच्छा, आप इसको मिंट लीव्स के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। पुट अ लिटिल बिट ऑफ मिंट लीव्स ऑन टू दिस। हमारा मैंगो जूस बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे आड़ू का जूस। अब हम आपके सामने बनाएंगे आड़ू का जूस, बहुत मज़ेदार, बहुत रिफ्रेशिंग, वेरी मच अकॉर्डिंग टू द समर। इसके लिए हम ब्लेंडर के अंदर सबसे पहले क्यूब्स में कट किया हुआ आड़ू जो है वो शामिल कर देंगे। मैंने आड़ू को छोटे छोटे क्यूब्स में शामिल कर काट लिया था। इसके अंदर हम शामिल करेंगे चंद पत्ते मिंट के, 1/2 ग्लास हम इसमें शामिल करेंगे पानी का, 4 टेबल स्पून व्यूअर्स हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, 1/2 टीस्पून नमक का। एंड वी गोइंग टू गिव अ क्विक ब्लेंड टू दिस। हम इसको अब अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। व्यूअर्स हमने इसको अच्छा सा ब्लेंड दे लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आइस क्यूब और हम इसमें शामिल करेंगे स्प्राइट, 1/2 ग्लास हम इसमें स्प्राइट शामिल कर देंगे और हम इसको फिर से एक दफ़ा ब्लेंड कर लेंगे। व्यूअर्स हमारा आड़ू का जूस जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इन अ ग्लास वी गोइंग टू पोर अ लिटिल बिट ऑफ स्प्राइट, थोड़ी सी बिल्कुल हम इसमें स्प्राइट ऐड करेंगे। 2 से 3 पत्ते जस्ट फॉर गार्निश हम इसमें शामिल करेंगे मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते और ऊपर से हम आड़ू का जूस जो है वो डाल देंगे इसमें। वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। इसके साथ हम इसको गार्निश करने के लिए एक आड़ू इसके ग्लास के ऊपर लगा देंगे हम। एंड आवर आड़ू का जूस इज़ ऑल्सो रेडी। व्यूअर्स अब हम बनाएंगे आपके लिए यहाँ पे सिकंजबीन यानी लेमनेड। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1.5 ग्लास पानी, साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है, 4 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे शुगर के यानी कि चीनी के, 1/2 चम्मच नमक का। इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। हमने ब्लेंड कर लिया है और हम इसको जल्दी से एक टेस्ट चेक दे लेंगे। इसमें थोड़ी सी चीनी की कमी लग रही है मुझे, सो वी गोइंग टू ऐड 1.5 मोर टेबल स्पून
डेढ़ चम्मच हम चीनी का और डाल देते हैं। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे हम आइस क्यूब्स, ये हम इसमें आइस क्यूब्स शामिल कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि हमारे आइस क्यूब्स अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाएं। हमारा लेमनेड यानी के प्योर सिकंज बीन जो हम घरों में बनाते हैं वो भी बिल्कुल तैयार है। हम एक ग्लास ले लेंगे और उसके अंदर हम इसको पोर कर देंगे। देखिए, साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 मिंट के लीव्स, 2 स्लाइसेस थिनली स्लाइस कट हम इसके अंदर लेमन के शामिल कर देंगे और इसको गार्निश भी हम लेमन के साथ ही करेंगे। इसको लाइटली आप स्टर कर लीजिए और हमारे सिकंज बीन भी बिल्कुल तैयार है। हमारे 5 रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स बिल्कुल तैयार हैं, ठंडे और बहुत मज़ेदार। लेमनेड जिसे हम सिकंज बीन कहते हैं, आड़ू का शरबत, तरबूज का शरबत, मिंट मार्गरीटा एंड देन वी हैव मैंगो जूस, बहुत मज़ेदार, बहुत रिफ्रेशिंग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है दैट आई स्टार्टेड माई चैनल नाउ विद इरहास कुकिंग, मैंने चैनल का नाम चेंज किया है, बट द रेसिपीज़ आर द सेम, यू एंड मी आर द सेम। So keep watching Irhas Cooking. Allah Hafiz.